आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने उत्तराखंड की सीमाओं पर पहले की तरह टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है, यानी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही सरकार ने कोरोना योद्धाओं का RT-PCR टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कोविड के बढ़ते मामलों और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड सैंपलिंग को बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को टेस्टिंग टारगेट को पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसके प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। पहले से थोड़ा केस बढ़े हैं और बाहर से आए जो हमारी अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गाइडलाइन आ जाइए भी इस तरह की भी आपके जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के टेस्ट किए जाएं। टेस्ट करने पे पॉजिटिव होंगे तो उनको यदि सिम्टम्स हैं तो आप एडमिट किया जाता है। तो पुराने वाली गाइडलाइन उसी के हिसाब से करते हैं और जो सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में आइसोलेशन में रहें और ट्रेसिंग ट्रेकिंग जो उनके कॉन्टैक्ट में कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये मैं तरफ से कहूँगी तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रेकिंग का काम हमारा थोड़ा सा तेजी से बढ़ना चाहिए। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शंस भी चले गए। कल हमने CMOs की सबकी अपने सारे संबंधित जो CMOs है हमारे जिले से संबंधित CMOs है सबके हमारे एक VC भी हुए और इसी में यही निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग बढ़ा ली जाए और टेस्टिंग के साथ साथ ट्रेसिंग और ट्रैकिंग। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस की जांच के लिए वर्तमान में 11 सरकारी और 26 प्राइवेट लैब हैं। वर्तमान में आइसोलेशन बेड 31,000 से अधिक हैं, जबकि ICU की संख्या 1,655 हो गई है। तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत ICU में 53% वृद्धि की गई है। मार्च 2020 में 116 वेंटिलेटर थे, जो कि अब बढ़कर 1,016 हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर 22,420 हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मार्च 2020 में 275 से बढ़कर वर्तमान में 9,838 हो गए हैं। इसी प्रकार PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के मामले में 91% की वृद्धि हुई है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेमभट्ट की रिपोर्ट।